So hello, welcome back to my channel, and today's video is going to be a total different vibe, total different, like everything is different. And honestly, मुझे ये video बनाने के लिए ना बहुत time लग गया. ये video मैंने like it's an inspired video by Sophie Lee, please shout out to her. It's not my idea. मैं just उनका भी जो भी वो creator है मैं उसका link description box में दे दूँगी. She is not an Indian creator by the way, but मुझे ये आइडिया बहुत पहले से था कि मुझे ये शेयर करना था, बट ऑनेस्टली आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस वीडियो. बट somehow today I felt like जस्ट डू दिस, क्योंकि कब तक आई एल थिंक ना कि वॉट पीपल विल थिंक अबाउट मी एंड क्या लाइक वॉट एवर. सो टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लाइक इट टुक मी अराउंड 9 months, ऑनेस्टली 9 months, जब ये वीडियो उन्होंने लाइक वो क्रिएटर ने जब अपलोड किया था तभी मुझे उसके बाद बनाना था, बट आई वॉज नॉट रेडी. तो उसने जब किया था लाइक इट्स ऑलमोस्ट 1.5 years अगो या फिर 1 year अगो. सो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू क्रिएट दिस वीडियो. सो या इट्स अ डिफरेंट वीडियो, बट आई थिंक आई एल कीप अपलोडिंग सच वीडियोज लाइक है ना. मैं 6-6 महीने में या फिर 8-8 महीने में बनाती रहूँगी टू सी हाउ माई मेंटल स्टेट इज, लाइक वेर आई एम, मैं पहले कैसे थी, अब कैसी हूँ, कितना चेंजेस आया है. सो दैट्स दैट. एंड या शाउट आउट टू हर, आई लव हर. सो या वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड नाउ मैं पहले से डिस्क्लेमर दे दूँ, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रॉ, मैं ज़्यादा एडिट कट वगैरह कुछ नहीं करने वाली. सो या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. अगेन मैंने उनके वीडियो में से भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, बट ऑनेस्टली मैंने भी ज़्यादा रिसर्च किया है, लाइक मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, उनमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो लेट्स स्टार्ट विद द नेम. नेम गौरी यादव. एज स्किप मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि कुछ चीज़ें आई एम नॉट गोइंग टू शेयर. एंड डेट, टूडेज डेट इज मंडे 20 मार्च. एंड मैंने सभी क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए हैं जस्ट इन केस मैं कोई भूल जाओ. तो इंस्टा फॉलोअर्स, लेट मी चेक. My Insta followers right now is 1,905 followers, which is not a bad. YouTube subscribers, my YouTube subscribers are, again let me check, 3.91k, which is like we are so close to 4,000 subscribers, which I'm super grateful about. Next question, most proud video. माई फर्स्ट वीडियो आई कैन से, क्योंकि आई ऑनेस्टली मेरे आजू बाजू जितने भी लोग थे ना पहले, दे वर लाइक कभी भी ना कोई चीज़, अगर आप कोई चीज़ से इनसिक्योर हो तो पीपल अराउंड यू शुड टेल यू कि नो, इट्स नॉट योर इनसिक्योरिटी, लाइक ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स नॉर्मल एंड ऑल दैट स्टफ. बट मेरे आजू बाजू ऐसे लोग थे जो मुझे बोलते थे कि ओ दिस दैट. तो माई इनसिक्योरिटी बैक देन वॉज माई वॉइस. आई वॉज सो स्कैर, लाइक सो स्कैर, मतलब मैं जब फोन पर बात करती थी ना भी मेरा आवाज, आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई वॉइस नाउ, बट बैक देन लाइक 3-4 years बैक देन, ओ माई गॉड. एंड माई क्लोज्ड वंस, ट्रस्ट मी, माई क्लोज्ड वंस हुम आई यूज टू ट्रस्ट अ लॉट, यूज टू मेक, हिंदी वर्जन है, यूज टू मेक लाइक बहुत मजाक उड़ाते थे मेरे आवाज का, लाइक क्या क्या चीजों से लाइक बोला नहीं चाहिए, बट स्टिल लाइक उसकी तरह तेरा आवाज है, ये है, वो है. एंड आई वॉज सो लाइक डिप्रेस इज अ बिग, इज अ ह्यूज वर्ड, बट बहुत वो फील होता है यू नो, जब आपके अच्छे फ्रेंड्स हो एंड यू ट्रस्ट समबडी एंड वही आपको इतना लो फील कराते हैं. माई फैमिली नेवर, माई फैमिली कभी मेरी आवाज़ वगैरह पे नहीं बोलते, मजाक मजाक में चलता है, बट यू नो आपको समझ में आता है कि कौन आपको सामने से जानबूझ के मजाक मजाक में ऐसा पिंच कर रहा है. आई हेट सच पीपल. सो माई फर्स्ट वीडियो वॉज मेकअप वीडियो, उसके अंदर आवाज़ नहीं था, बट ट्रस्ट मी वो वीडियो मैंने बनाया था एंड दो दिन लग गए मुझे अपलोड करने के लिए. एंड नाउ आई सेट, आई एडिट एंड आई जस्ट अपलोड. सो आई लव माई वॉइस नाउ, बट बैक देन इट वॉज a huge mess. And जब कोई आप low feel, like अगर आपको insecurity है ना and आपके closed one and loved one आपको बोलते हैं कि नहीं यही चीज़ है इसके वजह से like ये गंदा है, तो आप ना feel करने लगते हो कि यार ये गंदा है, तो वो reality बन जाती है. अगर वो lie है तो भी वो reality बन जाती है. तो please ऐसे कोई लोग आपके आसपास हो तो please cut off right now, क्योंकि वो आपको drag down कर रहे हैं and it's not good for you and your health. तो proud video was my first Instagram video, जब मैंने decide किया कि या मैं ये content creation start करने वाली हूँ. Next, what would you like to tell your future self? You did it, क्योंकि मुझे पता है now I am working so hard, क्योंकि अभी भी honestly मुझे emotional video नहीं बनाना है, but even now I'm feeling so low.
सोलो, बट आई नो मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे गोल्स बहुत क्लियर है. सो फॉर फ्यूचर सेल्फ को मैं बोलना चाहूँगी, यू डिड इट, या यू डिड इट, क्योंकि अभी मुझे पता है आई एम वर्किंग माई ऑफ, सो आई एम गोइंग टू गेट माई गोल्स. हिंदी वर्जन है, सो मैं जल्दी ही मैं अपने लाइक मेरा मन नहीं करता तो मैं उठती हूँ, वीडियो बनाती हूँ. सो इट्स अ ह्यूज डील फॉर मी, क्योंकि आई नो बहुत लोगों को ऐसा होता है कि बस बैठे रहो. बहुत लोगों का तो मुझे भी होता है कि अभी थोड़ी देर पहले आई वॉज लाइक कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ मन नहीं कर रहा है, बट देन आई थॉट कि नहीं करना है, करना है, करना है. आई हैव टू वर्क फॉर माई गोल्स, आई हैव टू लाइक जो भी मेरे ड्रीम्स है उसको पूरा के लिए, पूरा करने के लिए आई हैव टू गेट अप. सो या वॉट एडवाइस फॉर माई फ्यूचर सेल्फ, दैट यू डिड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू योर पास्ट सेल्फ. सो द एडवाइस, मैं इतनी इमोशनल नहीं होती हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, उसके वजह से और ज़्यादा मुझे लो फील हो रहा है. ओके, यू नो आई एम सो अफ्रेड कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी कि नहीं स्टिल. ओके, सो द एडवाइस आई लाइक टू गिव माई ओल्ड सेल्फ इज डोंट लाइक सामने वाले को ना खुद को लेट डाउन नहीं करने देना. मुझे लाइक स्पेशली आई से टू माई सेल्फ कि प्लीज सामने वाले को ना आपका फ्यूचर डिसाइड करने मत देना कि लाइक एंड अगर कोई नीचे दिखा रहा है, नीचा दिखा रहा है मुझे लाइक सेल्फ ओल्ड को, तो प्लीज कट ऑफ तभी से. एंड जो लोग मेरे चांसेस डिजर्व नहीं करते हैं उनको 10 बार चांस दे के वापस से वही मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही. ओके, आई विल एक्सप्लेन. जो लोग मेरे चांसेस डिजर्व नहीं, लाइक तेरे चांसेस डिजर्व नहीं करते, आई एम सेइंग टू माय ओल्ड सेल्फ प्लीज उनको डबल ट्रिपल चांस देके ना खुद की इज्जत कम मत करवाना, एंड हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट. ट्रस्ट मी, 3 to 4 years, 4-5 years बैक देन आई हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट बैक देन. या लोग जो बोलते थे आई हैज टू डू बैक देन, ये ऐसी है, ओके मैं ऐसी हूँ, डू दिस डू दैट, एंड प्लीज लव योर सेल्फ मोर एंड डू ड्रेस फॉर योर सेल्फ. मुझे ना बैक देन ना आई दैट्स इट, लेट्स मूव ऑन. हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट? BTS, यस, बंगटन बॉयज. यू नो मुझे ना ये बहुत अमेज करता है कि मेरे आजू बाजू इतने लोग रह के भी वो मुझे इतना इंस्पायर नहीं कर पाए, जो इतने दूर साउथ कोरिया में हो के भी थ्रू म्यूजिक उन्होंने मुझे इतना ये किया. आई नो बहुत लोग हैं जो मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ये चीज़ पर, बट ट्रस्ट मी, यू नीड someone or some people in your life जो आपको inspire करे, and उन्होंने मुझे ऐसा inspire किया है ना. My YouTube channel is all because of BTS. Yes, BTS. अगर आप उनसे connected नहीं हो तो I'm sure आपको पता नहीं होगा, but अगर आपके life में ऐसे कोई लोग हैं जिनको आप क्या था जो आपको inspire करते हैं तो I'm sure आपको पता होगा. But trust me, today अगर I have some self-respect, today if I am pandemic का जो फेस था वो मैंने कैसे पास किया, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ BTS. एंड या हु इंस्पायर्स मी द मोस्ट आर माय 7 boys विच आर BTS. ओके, प्राउड मोमेंट व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट PR, नॉट ऑफ YouTube बट ऑफ Instagram. मैं इतनी खुश थी, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि आई वॉज लाइक मुझे सब मिल गया है. एंड अभी भी मुझे वो चीज़ याद है, यहाँ पे एक डेस्क है, मुझे वहाँ पे कुछ नहीं आया था, बॉडी लोशन वगैरह आया था, एक सोप वगैरह आया था, बट ट्रस्ट मी दैट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ की आई वॉज लाइक मैंने कुछ स्टार्ट किया है एंड मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है. सो क्या मैं फर्स्ट PR बॉयफ्रेंड, आई थिंक मैं सीधा बताना चाहूँगी मैं कहाँ पे रहती हूँ, आपको पता है. आई एम फ्रॉम मुंबई. मेरी फैमिली में कितने लोग हैं आपको पता है. मेरे अभी मैं रेंटल हाउस में रह रही हूँ आपको पता है. मैं नए घर में जाने वाली हूँ आपको पता है. मैं जल्दी शिफ्ट होने वाली हूँ आपको पता है. वो मेरे घर नए घर का एम्प्टी हाउस टूर मैंने आपको दिया है, तो आई थिंक आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है. तो आई थिंक आई कुछ चीज़ें आई लाइक टू कीप इट प्राइवेट. सो या आई जस्ट स्किप ऑन दिस क्वेश्चन. वाई नॉट, क्योंकि आई बी लाइक टोटली ऑनेस्ट, ये भी चीज़ मुझे अभी पता चलेगी, मैं 9 to 5 जॉब कभी नहीं कर सकती थी, एंड मुझे करना भी नहीं था, मुझे कुछ डिफरेंट ही करना था. एंड मैं लास्ट के थर्ड ईयर में थी, तब भी मुझे पता नहीं था कि मैं लाइफ में क्या करने वाली हूँ. एंड उसके बाद पेंडेमिक हो गया, उसके बाद आई थॉट लाइक आई सेड उसके बाद पेंडेमिक हुआ, एंड पेंडेमिक में आई केम अक्रॉस BTS, एंड
देन ही सेड कि स्टार्ट विद व्हाट यू हैव. एंड तब से मुझे दिमाग में था कि मुझे करना है करना है करना है. एंड देन आई लाइक आई स्टार्टेड. तो तब से स्टार्टिंग में मैंने इतना जोर नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था, बट नाउ आई एम गिविंग माई लाइक 80% at least. So yeah, why not YouTube? अगर आपको कोई जॉब है, आप 9-to-5 जॉब करते हो तो गुड फॉर यू, बट मुझे नहीं करना था एंड मुझे लगता भी नहीं कि मैं वो कर सकती थी. बट नाउ आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट यूट्यूब. सो या आई लव मेकअप, आई लव स्किन केयर, आई लव वॉट आई डू. सो या वाई नॉट यूट्यूब. डू यू लव योर सेल्फ? ऑनेस्टली अगर मुझे पूछोगे फ्रॉम स्केल टू 10 के, 10 टू स्केल में, तो आई से 5. आई लव माई सेल्फ 5%, लाइक 10 से स्केल में, क्योंकि लव योर सेल्फ आई डोंट नो लोग 100% कर पाते हैं कि नहीं. एंड 5% जितना मैंने किया है खुद के लिए, इट्स अ बिग डील फॉर मी. लाइक आई सेड बैक देन, पीपल यू शुड ट्रीट मी लाइक शिट, लाइक शिट. एंड आई एम नॉट अ पर्सन कि मैं इतनी बुरी हूँ, मैं सीधा बोल सकती हूँ अगर आप मुझे केयर दे रहे हो, आई गिव इट बैक. इफ यू गिव मी रिस्पेक्ट, आई गिव इट बैक. इफ यू गिव मी हेट, आई जस्ट कट ऑफ, दैट्स इट. मैं कुछ ज्यादा करती नहीं हूँ, बट अगर आप तेरे में घुसोगे तो मैं भी वही मेडिसिन आपको देती हूँ. दैट्स मी एज अ पर्सन. बट या बैक देन लाइक आई सेड, पीपल यूज टू ट्रीट मी लाइक शिट. एंड अभी एक भी इंसान नहीं मेरे लाइफ में जिनको ना, जो मुझे इंस्पायर ना करो. नाउ इट्स नॉट लाइक आई डोंट हैव फ्रेंड्स, आई डू हैव फ्रेंड्स. आई हैव 3-4 फ्रेंड्स एंड विच आई ट्रस्ट, एंड वो ना मुझे सिर्फ ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं. अगर कोई अच्छा नहीं है, दे टेल मी कि दिस इज नॉट दी वे विच आई, कोई अच्छा चीज करती हूँ तो दे कॉन्ग्रेचुलेट मी. एंड या दे डू आस्क मी कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, ये करो वो करो. सो आई लाइक दैट पार्ट. सो डू आई लव माई सेल्फ? या आई डू, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. ये चीजें है ना बहुत कम समझते हैं लोग. सो या आई डू लव माई सेल्फ. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? डू योर फैमिली सपोर्ट यू डूइंग यूट्यूब? या दे डू. मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, लाइक मेरे घर पे सबको पता है आई डू यूट्यूब. ऑब्वियसली सबको पता होगा कि मैं 24 घंटे घर पे रहती हूँ. ऐसा नहीं है कि सब आके बाद में बैठते हैं एंड ये करते हैं वो करते हैं, बट कोई मना नहीं करता है. ये उनका वे है कि दिखाने का कि याद है सपोर्ट मी. डैड भी कभी मना नहीं करते हैं. जब मैं एक वीडियो इसमें रूम में बनाती हूँ तो सब टीवी का वॉल्यूम वगैरह कम हो जाता है, सब आवाज़ कम कर लेते हैं. तो दैट्स देयर वे टू शो कि या दे सपोर्ट मी. एंड मॉम सपोर्ट करती है, करती है, दीदी भी सपोर्ट करती है, एंड या सब सपोर्ट करते हैं. तो या दे डू, एंड आई एम like I said, I'm super grateful after that. Where would you see yourself in 5 years? 5 years? I will have my own car and house. 5 years में, yeah. Yeah, I will have my, I'll work my ass off for that. क्योंकि मेरी बहुत बड़ा aim है कि to have my own house and car. खुद का ये होना है. तो yeah, I see myself there. Having my own car and yeah, good fame with the people should know me. Yeah, I know they will, because I do work hard. Yeah, things you would like to achieve, like I said, my house, car, and luxury life, जो मुझे चाहिए, like makeup from Dior and all that stuff. It's a you like बहुत बड़ा मेरा dream है. So yeah, and to get invites from brands for events and all that stuff. अभी मैं देखती हूँ तो आई फील लाइक आई कैन गेट देयर, लाइक आई कैन गेट देयर. सो या दैट गेटिंग गोइंग फॉर इवेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ. या यू ओके? आई एम नॉट 100% यू ओके, लाइक आई सेड. बट या आई एम ओके क्वेश्चन मार्क. या आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम ओके. बट इसका मैं आंसर नहीं दे सकती पूरा. लाइक अगर मुझे 10 में से रेट करना है तो आई रेट 7, क्योंकि सभी का डेज ऐसा नहीं होता है. लाइक आई सेड फ्रॉम लास्ट 2 डेज इट्स लाइक दिस, ऐसा है मेरा ग्राफ, ऐसा नहीं है. सो या आई फीलिंग बिट अ लो, बिट नहीं बहुत ज्यादा लो. लाइक आई सेड ये वीडियो से पहले भी आई वाज लाइक क्राइंग एंड ऑल दैट स्टफ. अभी भी आपको मेरा आंसर लग रहा होगा, बट आई थिंक लेट्स डू दिस वीडियो. तो आई थिंक आफ्टर दिस वीडियो आई फील गुड, आई डोंट नो. बट I'm doing okay, like yeah, I'm doing fine, not okay but fine. How are these days? Same question. I don't know, main kyun repeat karti, koi to aa gaya. So yeah, favorite color, my favorite color is purple, if you know you know. How are these days? Same question. I don't know, maine kyun liya hai. And are you giving your 100% in what you do? I don't. लाइक आई सेड आई वाज फीलिंग लो, तो मैं पूरा दिन भर सो के निकाली, जो मुझे नहीं निकालना चाहिए था. देर आर पीपल हु स्टिल वर्क हार्ड इवन इफ दे आर फीलिंग लो. सो आई थिंक आई शुड वर्क हार्ड मोर. या मैं अपना 100% नहीं दे रही हूँ, आई एम श्योर. बट या
I like to give and I'll work hard for sure. So I'm not giving 100%. Regrets. Dude, इसका मैं लिस्ट बनाने लग जाऊंगी ना तो I like to say first. Okay. Let's do this. Okay. तो regrets I have many. First is this tattoos. Tattoos are permanent. अगर if you are going to make some stupid tattoos, so please मत बनाना. Take me as an example. Please do not ink on your body. क्योंकि this is going to be with you all till your last breath. You know, ये last तक आपके साथ रहने वाला है. तो please do not make such tattoos. Like impulsively मत बनाना. Take your own time. So first regret is this. Tattoos. Oh my god. I regret them a lot. And then second regret is to, like I said, giving chances. Like chance dena un logo ko jo deserve nahi karte the. Yeah. And maine ek baar nahi 10 baar chance diya jo deserve nahi karte the. And yeah, I think that's that. Again, do hi regrets. Bahut zyada hai but abhi mujhe yaad mein nahi aa raha hai. But yeah, these two are my biggest regrets. Yeah. Biggest thing you have learned. Biggest thing I've learned is love yourself, you know. And you know, अभी ऐसा लगेगा कि मैं बहुत maturely बात कर रही हूँ, but let me tell you one thing. अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, आप एंड तक आपके दोस्त या फिर फैमिली आपके साथ रहने वाले, इट्स अ बिग मिथ. ट्रस्ट मी, फैमिली ज़रूरत है. अगर मुझे पूछोगे अभी इन लाइफ कौन इंपॉर्टेंट है, तो मैं स्ट्रेट अवे बिना सोचे आई विल आंसर की फैमिली. या फैमिली इज इंपॉर्टेंट लाइक 100% एंड माई कैट्स. दीज आर लाइक माई लिविंग क्या बोलते हैं पिलर्स. या फैमिली एंड माई कैट्स आर माई पिलर्स. बट एंड तक ना आपको साथ रहना, तो इट्स यू. तो प्लीज मेक श्योर टू लव योर सेल्फ. एंड वॉट आई हैव लर्न इज डू लव योर सेल्फ. डोंट लेट एनी वन ड्रैग यू. बिल्कुल भी ड्रैग करने मत देना खुद को, क्योंकि nobody knows you the well you do. Like what I mean is, आपको आपसे अच्छा कोई ही नहीं जानता. Like I said, मेरी फैमिली छोड़ के मे भी फैमिली को भी नहीं पता होगा कि what I think. And क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा. But yeah, love yourself and be there for yourself. Please, अगर आप कोई down low feel करे तो कोई किसी का वेट मत करो कि कोई आपको आए चॉकलेट खिलाए, कोई आपको आए ड्राइव पे लेके जाए, कोई आए आपको फ्लावर्स दे तो आपको फील अच्छा होगा. बिल्कुल नहीं. आप उठो, जाओ, खुद चॉकलेट लो, खुद फ्लावर्स लो, खुद ड्राइव पे जाओ. तो डू इट फॉर योरसेल्फ. किसी का वेट मत करो. ये मैं बहुत सालों की बात सीखी हूँ. एंड कुडोस टू मी. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, वुड यू लाइक टू चेंज एनीथिंग? या आई वुड लाइक टू चेंज और आई वुड लाइक टू रिमूव दोज 3-4 ईयर्स फ्रॉम माई लाइफ, जो मेरे कॉलेज के डेज थे बिफोर पेंडेमिक. क्योंकि तब आई हैड बैड सर्कल. एंड ट्रस्ट मी, सराउंडिंग, लाइक आपके फ्रेंड्स कैसे हैं वो मैटर करता है. अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे लाइक कैसे भी सोचने वाले हो तो आप भी वैसे सोचोगे. सो कीप योर सर्कल अच्छा, लाइक अच्छे प्योर थाट्स वाले. एंड आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाने वाले ही आपके साथ रहो. एंड आई हैड द वर्स्ट ग्रुप. एंड कुछ नहीं, बस डाउनफॉल ही था वो मेरे लिए. सो आई वुड लाइक टू चेंज. तो आई वुड लाइक टू रिमूव, लाइक टोटली रिमूव दोज 3-4 ईयर्स फ्रॉम माई लाइफ. अगर मैंने तब भी वो लोग मेरी लाइफ में ना होते ना, तो अभी मेरी लाइफ कुछ और होती. एंड अगेन आई वुड लाइक, मैं उनको टोटली ब्लेम नहीं करना चाहूँगी. किसी ने मेरा हाथ पकड़ के तो लेके नहीं गया. ऑब्वियसली इट वॉज मी जो मैं गई. बट या आई वुड लाइक टू रिमूव दोज पीपल. या एंड आई वुड लाइक टू जस्ट इरेज दैट बैड फ्रॉम माई लाइफ. सो या आई गेस दैट वॉज इट. आई डोंट नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, बट ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू ऑल. दिस वीडियो इज फॉर मी, कि मैं ये रखूँगी एंड अगले वन ईयर या फिर 9-8 मंथ में मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूँगी टू सी हाउ आई एम डूइंग, इफ आई एम डूइंग ग्रेट और इफ आई एम नॉट. होपफुली आई विल बी डूइंग ग्रेट. सो या दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.